समदड़ी क्षेत्र के राजस्व गांव सिलौर में 2005 में पढ़त जमीन पर अटल सेवा केंद्र के निर्माण को लेकर राशि का दुरुपयोग किया गया। वर्तमान में अटल सेवा केंद्र की आधी अधूरी बाउंड्री बबूल की झाड़ियों में तब्दील हो रही है और किसी प्रकार से ये नहीं लग रहा कि यहां कोई अटल सेवा केंद्र की बाउंड्री तक बनी हुई है। वर्तमान सरपंच बाबू सिंह राजगुरु ने बताया कि 2005 में सरपंच शांति देवी ने इस जमीन का अगली पार्टी को फर्जी पट्टा जारी कर दिया। उसके बाद उनकी पुत्री रेशमा कंवर सरपंच बनी, तब आपसी समझौता कर फर्जी पट्टा जारी कर दिया। साथ ही कहा गया कि जमीन उपयोगी नहीं है, इसलिए इस जमीन पर अटल सेवा केंद्र नहीं बनेगा, जिस कारण अटल सेवा केंद्र का कार्य रुक गया और 1,85,000 रुपए सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया। जिस मालिक का इस जमीन पर कब्जा था, उसने अपनी इच्छा से ग्राम पंचायत के कहने से ग्राम पंचायत को यह जमीन ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र बनाने के लिए भेंट की थी। उसने कलेक्टर कोर्ट में पट्टा खारिज करने के लिए मुकदमा दर्ज करवाया और 2018 में कलेक्टर ने पट्टा खारिज कर दिया और स्टे के आधार पर ही काम रुक गया। अब वर्तमान सरपंच बाबू सिंह राजगुरु ने इसी जगह अटल सेवा केंद्र बनाने की बात कही है और जिम्मेदारी उठाई है। अब देखने वाली बात यह है कि कब ये अटल सेवा केंद्र बनकर तैयार होगा और कब इसका लोकार्पण होगा। जमीन एक मोहन सिंह जी करके उनकी खुद की निजी जमीन थी जिनका उनके ऊपर कब्जा था। उन्होंने पंचायत के कहने पे स्वतः ये जमीन सरेंडर की थी, पंचायत के नाम दे दी थी कि भाई आप बनाओ यहाँ। ये पूरा बनवाने के बाद में इसका जो उससे पूर्व में जो सरपंच थे 2005 से बाद में, उन सरपंच ने फर्जी पट्टा देकर उनको पट्टा दे दिया सामने पार्टी पूरे का।